वालों गुलाम का सलाम पहुँचे। खबर आ रही है कि सैयद आसिम मुनीर शाह लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी वफाकी कैबिनेट ने दी है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा और बहुत अहम दूरस नतायज का फैसला है और इससे पाकिस्तान की मिलिट्री अपने पुराने उरूज की तरफ ये गामजन होगी। जो खदशात हैं, मैं उनकी बात करूं कि आप एक अनजाने रास्ते पर दौड़ते जा रहे हैं, आगे एक बहुत बड़ी खाई है जो नज़र नहीं आ रही, तो जो आपको जानते हुए जाने दे वो आपका दोस्त है, या जो आपको आगाह करे कि आगे खाई है ज़रा बचें। तो आसिम मुनीर शाह साहब ने इमरान खान के साथ वो मामला जो था मलिक रियाज का, कोई ब्राइब देने की, उस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान को आगाह किया था। और मेरे ख़्याल में ऐसे लोग इंतहाई ट्रस्टवर्दी होते हैं और बजाय इसके कि उनकी कदर की जाए इनको डिफेम करने की कोशिश की गई। वो दरवेश आदमी है, दरवेश आदमी हमेशा दलेर भी होते हैं और मुतवक्किल भी होता है। और नवाज शरीफ की ख्वाहिश, मरियम की ख्वाहिश क्या थी, वो सिर्फ इस बात पर थी कि उस आदमी को चुन कर लाया जाए जो इमरान खान का मुखालिफ हो। ऐसे लोग न किसी के मुखालिफ होते हैं न किसी की गैर ज़रूरी साइड लेते हैं, और ये सब के लिए बेहतर हुआ है। और इनसे जो जो खुशगुबानी थी लोगों को, वो लगता है कि बहुत जल्द दूर हो जाएंगे।